नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले महीने योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इंटरव्यू दिया गया था। उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया था कि अब 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी नई वैकेंसी आनी हैं उन तमाम भर्तियों को करा करके 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति पत्र प्रदान कर देंगे। जब से योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये बयान दिया गया था तब से लेकर के अब तक लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, बट अभी तक कोई भी नया भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें खास तौर पे यूपी पुलिस के दरोगा भर्ती के बारे में, तो यूपी पुलिस के दरोगा भर्ती के कुल मिलाकर के 9,534 पदों को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया था कि नवंबर महीने में इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, बट आज तक कोई भी विज्ञापन जो वो देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तमाम अखबारों में तमाम तरीके की न्यूज़ जो हैं वो निकलती रही हैं समय समय पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 दरोगा भर्ती अगले महीने होगी, ठीक है। पिछले लगभग 2019 से ही इस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं, बट आज तक कोई भी भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लगातार कैंडिडेट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी होगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे बताया गया था कि कुल मिलाकर के ये जो परीक्षा है आप लोगों की दरोगा भर्ती, इसके लिए जो विज्ञापन है वो नवंबर के महीने में जारी किया जाएगा, ठीक है। नवंबर में इन्होंने तो दिनांक भी बता दी थी कि लगभग 3 नवंबर को ये जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, बट आज तक कोई भी भर्ती का विज्ञापन जो है वो देखने को नहीं मिला है। ये तो बात रही यूपी पुलिस बोर्ड की। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में भी अभी तक कोई भी भर्ती नहीं देखने को मिली है, जबकि लगातार अखबारों के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि बहुत जल्द जो है वो नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पिछले महीने की अगर हम बात करें 2019 में, 2019 में तो लगभग न्यूज़पेपर में खबरों की झड़ी लग गई थी कि बहुत ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो कैंडिडेट्स लगातार इंतजार कर रहे हैं खास तौर पर दरोगा भर्ती के लिए, तो आप लोगों को एक काम करना होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि कल आप लोगों की 7 नवंबर है, ठीक है। तो 7 नवंबर से कल सुबह 11 बजे से ट्विटर पे एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर के, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो पुलिस वाली वैकेंसी है दरोगा भर्ती, ठीक है, लगातार कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। तो दरोगा भर्ती के लिए ट्विटर अभियान जो वो चलाया जा रहा है कल मॉर्निंग में 11 बजे से। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैक्सिमम कोशिश करिए इस वीडियो को शेयर हो जाए, ताकि जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है जो ट्विटर अभियान में वो लोगों को पार्टिसिपेट करना और मैक्सिमम ट्वीट करने हैं। इसके अलावा आप लोगों को जिला स्तर पर जो है वो ज्ञापन भी सौंपने पड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी जो है वो अवगत कराना होगा कि इस तरीके की जो देरी हो रही है भर्ती में वो ना हो, क्योंकि इसके चक्कर में जो कैंडिडेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, कल 11 बजे से ट्विटर अभियान पे जो है वो सक्रिय रहना है और कल पूरे दिन जो है वो ट्वीट करना है, खास तौर पे अपना पुलिस वाली वैकेंसी को लेकर के, ठीक है, दरोगा भर्ती को लेकर के। तो आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर कुछ भी और जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरा नंबर है 9456-98-1097। आप मुझे इस नंबर पे किसी भी समय कॉल कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो या फिर जो भी मदद चाहिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।